मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बेनीगंज स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर बैठक की गई तथा 2022 विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई गई। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया और ढोल नगाड़ा बजाकर खुशी जाहिर की, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को विशेष रूप से आभार प्रकट किया। वहीं गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से इस खुशी में अपने अपने घरों पर दीपक जलाया तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में प्रार्थना पूजा अर्चना की और चौराहे चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पार्षद मनु जायसवाल, गोले सिंह, छठी लाल गुप्ता, संजय श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, योगी जी के नेतृत्व में हुआ गोरखपुर को तो, और इसलिए हम सबको गोरखपुर के नागरिकों से के बीच में बात हम सबको जानी चाहिए। यहाँ पर एक बार के हमारे पार्षद है तो केवल एक बार के पार्षद नहीं है, 10-20 हजार जनता का नेतृत्व तो करने वाले हैं, इसलिए आप सब संख्या सीमित नहीं है, इसलिए गोरखपुर में नगर में नागरिकों के तरफ से जाना चाहिए। कल के बाद योगी जी को, जब योगी जी आए तो योगी जी को कहिए कि योगी जी केवल आप पर्चा दाखिल करके जाइए, गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ेगी निकल करके, और हम सबके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतों से जीता करके योगी जी को भेजने का चुनाव है, मुझे विश्वास है गोरखपुर के नागरिक कार्यकर्ता योगी जी के संकल्प को लेकर के, मोदी जी के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज की बैठक अचानक इसलिए बुलाई है कि हम सब भी गोरखपुर के नागरिकों ने जो फैसला किया है कि अपने अपने घरों पर आज दीपक जला करके खुशियां मनाएंगे, इसलिए हम सब भी अभी अपने अपने वार्डों में जा करके अपने अपने घरों में दीपक जला करके ये खुशियां मनाने का काम, और हमारे व्यापार मंडल से लेकर के हमारे पार्षद अन्य हमारे जितने भी है सब लोग आज अखबारों में बयान भेज रहे योगी जी को प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट कर रहे हैं। चौराहों चौराहों पर भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ढोल मजीरों के साथ अभिनंदन करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए खुशियां प्रकट करने का अवसर है। एक रंग के लिए अखिलेश यादव ने चुनौती दी थी, वो भगवा भगवा हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा है, और भगवान जैसे पावन पर्व खिचड़ी का प्रारंभ हुआ है और शुभ काम करने का काम प्रारंभ हुआ है, ऐसे भगवान गोरखनाथ जी का गौरव होगा। योगी जी पहले विधान परिषद के सदस्य रहे, अब गोरखपुर नगर के नागरिकों का नेतृत्व करते हुए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सगर शहर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके उपलक्ष्य में
हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विशेष रूप से आभार प्रकट करने के लिए और गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से आज इस खुशी में अपने अपने घरों पर दीपक जलाया जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मंदिरों में प्रार्थना पूजा अर्चना की जाएगी और चौराहों चौराहों पर जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। इस संदर्भ में ये भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई है, ये कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और इसी उत्साह को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक बैठक के लिए, तो उसी उत्साह के नाते आज ये बैठक हुई है।